प्रदेश में शिमला आने पर स्वागत करता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय पर आप यहां पर इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और जो हट करके नई सोच के साथ काम करने का और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो समाज के उस वर्ग को भी सहारा देने के लिए मदद देने के लिए कि वो भी समाज का हिस्सा है, हम समाज को उसको अलग नहीं कर सकते और इसलिए समाज में जो अधिकार हम सबके हैं उसमें उनका भी हिस्सा है और उस अनुरूप जो हमको देखना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण उनके प्रति होना चाहिए और उसके साथ साथ में जिस वजह से भी वो जेल में है उसका स्वाभाविक रूप से उनको पश्चाताप भी होता होगा, एक सोशल स्टिग्मा के तहत जो है उनके लिए जिंदगी बहुत कठिन होती है। ऐसी परिस्थिति में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको भी जिंदगी देने का, जिंदगी जीने का एक नया तरीका इस माध्यम से आप लोगों ने शुरू किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदमी की जिंदगी में कई बार इस प्रकार के दौर आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है, कानून की परिधि में आकर के जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है और हमारे नजर में वो खासतौर से उस तरह से सोचने के एक नजरिया उसके बारे में बन जाता है कि इसने कानून का उल्लंघन किया, इसने गलत किया है और इसलिए ये सजा का हकदार है। कानून अपनी जगह है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन सोचने का विषय हम सब लोगों के लिए है कि कानून अपना काम कर रहा है क्या, ऐसी परिस्थिति में हम मानवीय दृष्टिकोण छोड़ दें क्या, ऐसी परिस्थिति में कानून ने उसको जो सजा का प्रावधान किया उस सजा का प्रावधान होने के बावजूद उस जेल की सलाखों के पीछे होकर के उसको जिंदगी में फिर से वापिस आने की गुंजाइश समाप्त हो गई। मैं समझता हूं उस दृष्टि से ये जो जिस प्रकार से आप लोगों ने इस सुधार का एक जो कार्यक्रम चलाया है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है।